कलर की पीको की चरखी है और ये शहरी बाबा गुड्डा उड़ाने के लिए उस लड़के को देने गुड्डा। अच्छा अच्छा, 14 नंबर के साथ जो पेचा होता है वो कैसे होता है वो अभी आप लोगों को बताएंगे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम हैं जी रावलपिंडी में। आज हम लोगों ने उड़ाने हैं बहुत सारी फैंसी काइट्स। हमारे पास बहुत सारे डेकोरेशन पीस की तरह जो शहरी बाबा ने बनाई हुई है, शहरी बाबा ने बहुत ज्यादा काइट बनाई है। तो आज हम आप लोगों को वो काइट के सैंपल वगैरह भी दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि उसकी एक ऑलरेडी सेपरेट सी वीडियो अपलोड करें, लेकिन बहरहाल अभी हमने उड़ाना है आडा काइट जो कि हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है जी, चैनल को जो लोग व्यू कर रहे हैं सब्सक्राइब लाजमी करना है। ये देखें जी, शहरी बाबा के पास पीको वाली चरखी पड़ी हुई है, व्हाइट कलर की पीको है और ये शहरी बाबा इसके साथ उड़ाएंगे। और हमारे पास ये बहुत ही सारे प्यारे प्यारे किस्म के डिजाइन पड़े हुए हैं जो कि आडा काइट के अंदर हैं। ये हैंडमेड आडा है, जितनी भी काइट्स वगैरह हैं हैंडमेड आडा है। ये दिखा ये वाली काइट, ये देखें जी गाइस, ये चेक करें जी, खूबसूरत आडा जो हाथ से बनाया है शहरी बाबा ने। कितना टाइम लगा यार तुझे ये गुड्डे बनाते हुए? तो मजा आएगा, एक दिन लगा जी इसको पूरी की पूरी ये काइट बनाने में, एक दिन लगा। और कितनी तकरीबन 50 से 60 काइट हैं, बहुत से प्यारे प्यारे डिजाइन हैं आडा काइट के अंदर हैं। तो जी शहरी बाबा, ये देखें नुके वाली काइट है, ये कैंडल वाली काइट है, ये नुसी है। ये देखें जी, ये बहुत प्यारा कार्डदार गुड्डा है यार, ये भी बहुत जबरदस्त किस्म का गुड्डा है। इसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक की कार्ड डाली है, ये ऑरेंज और पर्पल की कार्ड होगी। इसके अलावा जी ये देखें जी, ये भी बहुत जबरदस्त खूबसूरत गुड्डा है यार, ये ज्यादा प्यारा गुड्डा है। और ये चेक करें जी, ये वाली पतंग भी चेक करें जी, हैंडमेड आडे हैं सारे के सारे, गेम वाले आडे हैं। ये चेक करें जी, बिल्कुल तीली दिखाएं जी, ये तीला इसका चेक करें जी, तीला भी बहुत जबरदस्त किस्म का तीला है। और इसके अलावा जी ये वाली काइट है, और ये भी प्यारा डिज़ाइन है यार, ये भी बहुत अच्छा डिज़ाइन है। बहुत सारे आडे पड़े हुए हैं हमारे पास, ये डिज़ाइन भी है, ये भी 2-3 कांटे इसके ऊपर लगी हैं। ये तो बिल्कुल सादा सा डिज़ाइन है लेकिन बहुत अच्छा डिज़ाइन है। इनमें से अभी हमने तकरीबन 2-3 काइट हमने निकालनी है और वो अभी उड़ानी है। तो अभी हमने फ्लाई करनी है और पेचा लगाना है। आप चेक कर सकते हैं, आज हमें रावलपिंडी में और यहाँ पे काफ़ी सारी काइट्स उड़ी हैं। कुछ बच्चे शच्चे भी वो सामने खड़े हुए देख रहे हैं हम लोगों को, और इस तरह भी देखें जी वो भी उड़ी है। और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पे रावलपिंडी में गुड्डी वगैरह उड़ी है। आज दूसरा दिन है, हम पिंडी में ही हैं, हम अभी तक एबटाबाद नहीं गए। और आप लोग भी मिस कर रहे होंगे जी हमारा काइट स्टोर। बहरहाल अभी हमने काइट फ्लाई करनी है, कनियाँ वगैरह डालनी है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी काइट फ्लाइंग उड़ाने के लिए। गुड्डे बिखरे हुए पड़े हुए हैं, अभी हमने कनी वगैरह डालनी है। इनमें से एक गुड़ा निकाल ले, इसके एक के अंदर कनी डालेंगे। ये प्याला भाई, अभी हम प्याला उड़ाएंगे, ये प्याला गुड़ा, इसके अंदर कनी वगैरह डालेंगे और इसको इंशाल्लाह फ्लाई करना स्टार्ट करेंगे। पीको के साथ उड़ाएंगे क्योंकि इधर जितने भी काइट वगैरह उड़ी हैं आपको नज़र आ रही होंगी, सारी की सारी पीको के साथ ही उड़ी हैं। तो ये सारे के सारे हैं काइट, अभी हमने इसके अंदर कनियाँ डालनी है। आप लोगों को ये मेरे हाथ में जो चरखी नज़र आ रही है ना यार, ये है जी पीको, लेकिन इसके अंदर जो आपको ये ब्राउन कलर की ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये होती है लाबा 014 नंबर है। और ये है कि पीको ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होती है, ये इसका टोटा वगैरह बांधते हैं ज़्यादातर पिंडी के जितने भी लड़के हैं वो ज़्यादा पीको का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। आगे वो लाबा 14 नंबर बांध लेते हैं क्योंकि 14 नंबर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो उसकी जगह ये डाल देते हैं जी पीको। पीको और लाबा में ये फ़र्क है कि पीको जो होती है थोड़ी सी मजबूत होती है, 14 नंबर जो लाबा होती है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर सी होती है, वो सिर्फ गेम के लिए होती है। तो ज़्यादातर लोग ये हैं के पहले आगे वो 14 नंबर बांध देते हैं, पीछे उसके टोटे में वो डाल देते हैं जी पीको बांध देते हैं, फिर पीको की चरखी का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ पेश करते हैं। तो हम सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। हमारा ये प्याला गुड्डा तैयार हो रहा है जी, इस प्याले गुड्डे के साथ हम इस चरखी का इस्तेमाल करेंगे और इस चरखी के साथ हम काइट फ्लाई करेंगे। पीछे चेक कर सकते हैं, बहुत सारी काइट उड़ी हैं, ये देखें जी बहुत ही ज़्यादा किस्म की काइट उड़ी हैं। अगर मैं इसको ज़्यादा जूम करूं तो वो चेक कर सकते हैं, वो सामने चेक करें जी, बहुत ज़्यादा काइट उड़ी हैं। चरखी भी आ रही है हमारी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चरखी है और काइट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं। ये देखें जी, आजकल पिंडी का माहौल बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जितने भी लोग हैं काइट फ्लाइंग का सीज़न हो गया, क्योंकि थोड़ा सा जब पंजाब में सर्दी वगैरह हो जाती है या मौसम अच्छा हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे छत पे चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर भी शौक़ करने वाले शौक करते रहते हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह लाहौर में हो गया और लाहौर के अलावा अदर सिटीज़ हो गए, वहाँ पर लोग काइट्स वगैरह उड़ाते हैं, वो नाइट के टाइम उड़ाते हैं। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, रात के टाइम काइट उड़ाते हैं, लेकिन अभी दिन में ये है कि अभी ये जो मौसम आ गया है जो नवंबर दिसंबर का होता है और पहला दूसरा तीसरा महीना होता है, ये 3-4 मंथ्स जो होते हैं यहाँ पे रावलपिंडी में लोग बहुत सारी काइट्स का शौक करते हैं। आगे साथ अभी हमारा गुड्डा उड़ चुका है जी, वो चेक करें जी, प्याला आसमान पे चला गया है जी। अभी इसका पेचा वगैरह करेंगे, पहला पेचा करेंगे जी शहरी बाबा साहब। और ये देखें जी ब्राउन वाली जो हमारी ग्रीन कलर की जो है 014 नंबर
ये जा रही है जी आगे, ये ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी सी है लेकिन ये ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद वो आगे पिंक गुड्डा उड़ा है, हमारा प्याला भी उड़ा है, दोनों का पेचा करेंगे जी शहरी बाबा। अब इन दोनों को काटना है शहरी, कटवाना है, इज्जत का फलूदा नहीं बना देना, ठीक है ना, फलूदा नहीं बनाना है, गुड्डा काटना है। ओ सामने देख, इतने ज़्यादा गुड्डे उड़े हैं ना, इतने ज़्यादा गुड्डे उड़े हैं, सही माहौल बना हुआ है यार, ये रावलपिंडी का तो माहौल ही अलग है। लाहौर वाले कहते हैं भाई लाहौर आओ, मैं कहता हूँ भाई आप पिंडी आओ, पिंडी आके गुड्डे चेक करो। आम से मौसम में इतने ज़्यादा काइट उड़े हैं वो सामने आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे काइट आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। शौक है भाई, शौक का माहौल कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह की गोटे और इस तरह की वीडियोस, लोड़ियों को आवाज़ है भाईजान, आ जाओ पिंडी में। मैंने परसों एक वीडियो अपलोड की थी तो वो बंदा बोलता है भाईजान के आप आ जाओ जी शादरे आ जाओ लोर, तो वहाँ पे आके आपको मॉल दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई ये देखो, ये मॉल आपको लाहौर में नहीं मिलना और ऐसा मॉल आपको कहीं नहीं मिलना जो पिंडी का मॉल बना हुआ है भाई। पिंडी पिंडी ये आए हाय, चरखी तो पकड़ो यार, ये चरखी पकड़ी भी है ना यार, चल चल। वो देखें जी हमारा प्याला बड़े जोरों शोर के साथ वो आसमान पे उड़ है, और अभी शहरी बाबा लगा वो काले के साथ लगाना है यार, ये देखो ब्लर ही हो रहा है सारा का सारा कैमरा। 14 नंबर के साथ जो पेचा होता है वो कैसे होता है वो अभी आप लोगों को बताएंगे जी, किस तरह का पेचा होता है, अभी चेक करें जी सामने। लेना डील ले लेना, आप कितनी डील दूं, पूरी चरखी तूने जाया कर दिया पेचा अभी तक, इतना दूर तो साया हुआ है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वो देखना तके ना भाई, वो देखो देख मार दे मार दे, गई काला जाएगा अभी, वो देखिए काला जाएगा। वो देखें जी ये हमारी चरखी है और वो दो पीछे आपको गुड्डे नजर आ रहे होंगे, ये दोनों हमारे अपने गुड्डे हैं, ये ब्लर ही हो रहे हैं यार, ब्लर क्यों हो रहे हैं, आये हाय गुड्डे ही नहीं, गुड्डे के ऊपर स्टिल ही वीडियो नहीं रुक रही, लेकिन ये है कि वो देखो जी हमारे, ये देख सकते हैं आप ना, नहीं हो रहा ना ब्लर हो रहे ना, पेचे ही नहीं नजर आ रहा, वो देख अब आ रहा है, अब ठीक है, मार दे, ये खींच क्यों रहा है, खींच क्यों रहा है। ये देखें जी भाई पेचा जा रहा है जी हमारा बड़े जोरों खरोश के साथ, और यहाँ पे शहरी बाबा लगे हुए हैं, हाथ मार रहे हैं जी, है जी। ओहो हो क्या हो गया जी, क्या हो गया, गंड आ गई है, वो हो गई काला गई, क्या हो गया, ओहो गुंजल आ गए टूट गया, लेकिन हमारा पेचा सक्सेसफुल हो गया, हमारा चेचा चेचा हमारा चेचा खराब नहीं हुआ, हमारा पेचा ठीक हो गया है। वो देखो सामने गुड्डे काफी सारे हो रहे हैं यार, मजा असल में गुड्डों का, ये देख हमारी बीच में केमिकल भी नजर आ रही है, गुड्डों का मॉल है असल मॉल गुड्डों का, ठीक होगी है, हाँ ठीक होगी है बाबा जी। ये तक कौन अभी तक ये ग्रीन वाली नहीं खत्म हुई, गुड्डा हमारा वो तारा लगा हुआ है, देखो यहाँ दूर से देखो तो आपको तारा नजर आ रहा होगा, यहाँ से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को कोई काइट नहीं नजर आ रही, लेकिन जब मैं ज्यादा जूम कर रहा हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी काइट नजर आएंगी। अगर इसका ये देखें जी, ये देखें बहुत सारी काइट नजर आएंगी, तो चेचा आपने चेचा हमारा चेचा आपने देखा ना, चेचा हमारा देखा है, बहुत अच्छा हो गया चेचा, खैर कोई बात नहीं। अभी ये एक सामने हम जा रहे हैं, अभी हम ये गुड़ा उड़ा रहे थे, अभी दूसरे उड़ा रहे हैं, लड़के अभी आए, इन्होंने कहा भाई हमारे साथ पेचा लगाए, तो हमने कहा ठीक है जी। वो देखो वो अपना फटा हुआ कोई आड़ा जोड़ रहे हैं, कनिया डाल रहे हैं, उसके बाद इनके साथ हमने यहाँ पे पेचा करना है। ये हमारे पास है जी 0 14 और साथ में पीको वगैरह भी है जी। अमाद काइट्स मेकर खुद काइट उड़ा रहा है, जो कि 0 14 के साथ उड़ा रहा है, मेरी भी फर्स्ट ट्राई है, लेकिन मैं भी कोशिश करूं कि गुड्डा अच्छा हो जाए। अभी देखें पीछे शहरी बाबा ने कि मैं भी करूं, अभी देखें बहुत आला यार, बहुत आला यार, क्या वाल मारा है यार, मजा आ गया, गुड यार, इसे जोर से खींचो खराब तो नहीं होता, नहीं नहीं पीको जाने दो, इसलिए कह रहा हूँ तो साए थोड़ा सा, अभी देखिए मेरा पीछे इसके साथ नहीं करना, ये तंदी वाला है, ब्लैक वाला गुड्डा मारा है, मात फिर फ्राटे को उठा ले, लिशी आप साइड पे करो, गई फिर फ्राटा, गई, ये देखे मार दी बच्चों की तरह आवाजें मार रहे हैं, और फिर फ्राटा भाग गया, उठा ले मात तंदी वाला ले जाएगा, ओहो बस आराम सुकून से उठा, एक मिनट पेचे लगे हुए, आगे पेचे लगे हुए, मार गुड्डा उठा आराम आराम से, ठीक है ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर कर, ऊपर ऊपर कर, तंदी वाला भी पड़ गया, आराम से उठा गुड्डा, आराम से उठा, दिखा मुझे दिखा, एक मिनट नहीं नहीं उठा नहीं, वो सब कर,
दिखा दे, छोड़ देना यार। मैं गुड्डा उड़ा रहा था, मेरे से तो गुड्डा के नाम है सही संभालने नहीं, वो वहाँ पे फंस गया। शहरी बाबा लगे हैं किसको मार रहा है, तफा नहीं मारना वो। इधर तफे तक बात आ चुकी है और ये हमारे पास एक 14 नंबर पड़ी हुई है, इसका भी हमने अभी इस्तेमाल करना है फिलहाल। जी आप चेक कर सकते हैं जी क्या हो गया। चाखरी पकड़ो, पकड़ो 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 गुड्डा, मार दे मार दे मार दे, बेचा मार दे बेचा मार दे बेचा मार दे मार दे। ये देखें जी भाई शहरी बाबा, गुड्डा खुल गया है, खुल गया यार, खुल गया होगा, नहीं खुला गुड्डा, कोशिश में लगा हुआ। तू क्या चरखी के पास लेके आ रहा है, ये मुझे चरखी के पास लेके आ रहा है, कह रहा है जी भाई आप चरखी पकड़ो यहाँ पे, इसने मुझे चरखी उठाने वाला बना लिया और ये बहुत ही ज्यादा ज्यादती की बात है, लेकिन हम शहरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखें जी भाईजान बहुत ही ज्यादा काइट है, सब पेचे अपने अपने पेचे को लगे हुए, एक देखें गिरेगा वे, और देख है जी वो आगे काफी सारे कबूतर भी है, कबूतर पकड़ लेते हैं ना, कबूतर पकड़ या गुड्डा उड़ा, एक काम कर यार तू कबूतरों के पीछे पड़ा हुआ है यार, वो क्या हो गया है गुड्डा हमारा बहुत दूर हो गया और फरफराटों के साथ पेचे लगा रहा है छोटी पतंगों के साथ। ये आप चेक करें जी, छोटी पतंग के साथ गुड्डा हमारा वापस आया, गुड्डा वापस आया ना, वो देखे ना, हाँ वो सामने जी गुड्डा, हमने पहला गुड्डा उड़ाया अभी तक, हमारा पतंग अभी तक कटने नहीं हुआ और वो सामने काफ़ी मुश्किलात के बाद हमारा गुड्डा वापस आ चुका है। ये गुड्डे इसी की उसी तरह पेंडिंग रहेंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे गुड्डे पड़े सारे के सारे ये पेंडिंग ही रहेंगे, लगता मुझे यही है। तो ये महाद भाई क्या रहे हैं पेचा, अब देखें इनका पेचा कैसा होता है, अल्लाह हैर ही करे आज। तो महाद भाई आपको पिको हाथ में आई हुई है तो कैसा ना फील हो रहा है आपको? बहुत अजीब सा फील हो रहा है। और ये देखें जी हमारा पीको से काटू फरफराटे को, फरफराटा पीको से नहीं कटेगा, पीको से काट जाएगा अपना गुड्डा हमारा, गुड्डे को मैंने काटा, मम्मी भी है भी। मैं गुड्डा उड़ा रहा था, मेरा गुड्डा तो फाइनली कट चुका है। ये देखें जी शहरी बाबा धागा वापस ले आए, पीको हमारी रह गई है और ब्राउन वाली केमिकल हमारी ख़त्म हो चुकी है, ग्रीन वाली सॉरी। और ये पतंगे वगैरह भी हमारे पास बच चुकी हैं, लेकिन इनमें से एक और अभी हमने पतंग उड़ानी है, वो हमारी पतंग बकाया है उसको भी उड़ाएंगे। शाम का टाइम हो गया, काफ़ी प्यारा माहौल बना हुआ है यहाँ रावलपिंडी का, तो बहुत चिल करने का दिल कर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है जो रावलपिंडी में काइट फ्लाइंग होती है और उड़ाने का अपना ही चस है। गाइस इधर हमने कबूतर भी रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं कबूतर, और अभी एक कबूतर ये पिंजरे के अंदर से उड़ के दूसरी छत पे चला गया और वो कबूतर अभी तक मिल नहीं रहा। शहरी बाबा परेशान हो गए कि हमारा कबूतर नहीं मिला, मैंने कहा कोई टेंशन की बात नहीं है, फिलहाल चिल मारो, गुड्डा उड़ाओ, कबूतर आ जाना है। गुड्डा तैयार हो चुका है जी हमारा, ये गुड्डा इसकी कनियाँ वगैरह हमने डाल दी हैं, चरखी वगैरह भी हमारी तैयार है और अभी हमने इसके साथ रहना है। और हमारा आगे जी कबूतर बाज, इसका कबूतर घूम गया, क्यों बच्चे की हाल है ठीक है, कबूतर तेरा उड़ गया, कोई नहीं टेंशन ना ले, फिर आ जाएगा कबूतर। वो सामने इधर है, यही वाला कबूतर है, वो ब्लैक और वाइट था, ब्लैक और वाइट कलर का कबूतर था। हाँ चल भाई अभी इसको मैं उड़ाता हूँ ना, ये तू पकड़ना ठीक है यार, आगे कनिया क्यों डाल रहे, फिर हल्का हो जाएगा गुड्डा सारा का सारा है। चल स्टार्ट करते हैं जी, अरी बाबा थक गए हैं जी, वासियां ले रहे हैं खुली करके, हमने आखिरी गुड़ा उड़ाना था, आधा गुड़ा उड़ाना था, लेकिन हमारा कबूतर भी घूम गया। ये काफ़ी सारे हमने यहाँ पे कबूतर खोल के रखे हुए हैं, तो अजानों का टाइम भी हो गया, तो इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो को एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। और दूसरा ये है कि आप लोग जो लोग रावलपिंडी में काइट फ्लाइंग करते हैं और इसके अलावा अदर सिटीज़ के जितने भी लोग अमाद काइट्स में को व्यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के आडे अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, हाँ हाँ मज़े मज़े के कार्डदार आडे हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे वैसा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाले टाइम पर अभी स्टार्ट होने वाली हैं जी पंजाब की बसंतें वगैरह, तो हर बसंत पर जाके हमने व्लॉगिंग करनी है और दिन ब दिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएँ और अच्छे से अच्छा इन्जॉयमेंट आप लोगों को दिखाएँ और आप लोग भी अमाद काइट्स मेकर की वीडियो देखें, एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल का दिन क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि हर वीडियो आपको अच्छी मिलेगी। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।